जानते हैं कि हमने पावर हीटर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पावर हीटर्स का जिक्र हो और शाहिद अफरीदी का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। शाहिद अफरीदी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से बहुत से मैचेस पाकिस्तान को जितवाए और बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। आज हम उन रिकॉर्ड्स और मैचेस पर नज़र डालेंगे। शाहिद अफरीदी पिशावर में पैदा हुए और 10 साल की उम्र में अपनी फैमिली के हमरा कराची शिफ्ट हो गए। उन्होंने कराची में एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया और 18 साल की उम्र में उन्होंने एज अ बॉलर पाकिस्तान टीम में जगह बनाई, लेकिन उनकी झारे मिजाज बल्लेबाजी देकर उन्हें पाकिस्तान टीम में एज ऑलराउंडर खिलाया जाने लगा। उन्होंने अपनी बैटिंग और बॉलिंग से बहुत से मैचेस पाकिस्तान को जितवाए। अब हम उनके रिकॉर्ड्स और जो मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को जितवाए उनके बारे में बात करने जाते हैं। शाहिद अफरीदी के पास सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये भी है कि उन्होंने 23 सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन अब इसका ये रिकॉर्ड मिस्टर 360 यानी साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के पास है, लेकिन उनके पास ये रिकॉर्ड तकरीबन 16 साल तक रहा। उनके पास ये भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने ODIs में सबसे ज़्यादा छक्के लगा रखे हैं। दूसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल हैं, जिनके छक्कों की तादाद शाहिद अफरीदी से 80 नंबर कम है। शाहिद अफरीदी के पास ये भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन यानी 28 रन स्कोर कर रखे हैं। शाहिद अफरीदी के पास ये भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने टेस्ट की एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के यानी 10 छक्के लगाए, जो अभी तक सबसे ज़्यादा है। शाहिद अफरीदी के पास एक मुनफरिद रिकॉर्ड ये भी है, उसने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा छक्के यानी 4 छक्के लगा रखे हैं, जो अभी तक किसी प्लेयर ने इससे ज्यादा छक्के नहीं लगाए। दुनिया क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का यानी 158 मीटर का छक्का भी अफरीदी के नाम है। शाहिद अफरीदी को उनकी जारे मिजाज बल्लेबाजी और बेहतरीन बैटिंग से लाला और बूम बूम के नाम से भी जाना जाता है। शाहिद अफरीदी के पास एक मुनफरिद रिकॉर्ड ये भी है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बार जिफर पर आउट होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। वो बूम एक ऑलराउंडर है, इसलिए अब हम उनकी बॉलिंग पर बात करते हैं। उन्होंने बॉलिंग में भी बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वो दुनिया क्रिकेट में T20 में 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा विकटें हासिल की, और वो दुनिया के सबसे तेज तरीन स्पिनर भी कहलाए जाते हैं। एवरेज स्पीड 90 प्लस होती है और उन्होंने जो तेज तरीन बॉल करवाई थी वो 120 किलोमीटर पर आवर प्लस। लाला के रिकॉर्ड्स की तो हमने बात कर ही ली, अब उनके जितवाए हुए अहम मैचेस की बात करते हैं। एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को फतह दिलवाई। 2009 का वर्ल्ड कप फाइनल, उसके अंदर भी शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत ही जारे मिजाज बल्लेबाजी की। श्रीलंका के जबड़ों से ये मैच पाकिस्तान को जितवा दिया और पाकिस्तान को T20 आर्मी चैंपियन भी बनवाया। शाहिद अफरीदी दुनिया के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक है। अब हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कोई और पावर हीटर लाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।